अभी तक हमने संख्यावाची सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप देखे तथा यह सीखा कि इन शब्द रूपों का किस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से कारक एवं चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, ये सारा हमने सीखा। अब हम उन्हीं संख्यावाची शब्दों का वाक्यों के आधार पर उन शब्दों का हम कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों को संस्कृत में बदलते हुए हम सीखेंगे कि उन संख्यावाची शब्दों का हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, राम और मोहन तीन बालकों को देखते हैं। अब यहाँ पर करता है राम और मोहन, राम और मोहन की संस्कृत हो जाएगी रामः मोहनः, और की संस्कृत होती है च। अब हमें ये देखना है कि ये जो तीन संख्यावाची शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये तीन शब्द बालकों के लिए आया है, तो बालकों को में जो विभक्ति आएगी वही तीन शब्द में भी आएगी, क्योंकि हमने आपको नियम बताया था कि जो संख्यावाची सर्वनाम होता है वो जिस भी संज्ञा अथवा शब्द के लिए प्रयुक्त होता है उसके अनुसार ही संख्यावाची शब्द में भी लिंग वचन व विभक्ति आती है। जैसे यहाँ पर बालकों को, ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति में बालकों की संस्कृत हो जाएगी बालकान। अब बालक शब्द क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए तीन शब्द का भी हम पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे। तीन शब्द के पुल्लिंग में रूप चलते हैं त्रयः, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। तो यहाँ क्योंकि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है और तीन शब्द का सदैव बहुवचन में ही रूप चलता है तो तीन की संस्कृत हो जाएगी त्रीन। कर्ता यहाँ पर राम और मोहन द्विवचन है इसलिए क्रिया में प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप आ जाएगा, रूप बन जाएगा पश्यतः। पूरा वाक्य हो गया, रामः मोहनः च त्रीन बालकान पश्यतः। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरे वाक्य में वे सब उन चार बालिकाओं के घर गए थे। अब वे सब पुल्लिंग है, वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते। उन चार बालिकाओं के, जो लिंग वचन व विभक्ति बालिकाओं में है वही संख्यावाची चार शब्द में आएगा और वही सर्वनाम पद में भी वही लिंग वचन व विभक्ति आएगी, क्योंकि हमने जब सर्वनाम के विषय में पढ़ रहे थे तो सीखा था कि सर्वनाम पद भी जिस भी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है उसमें उस शब्द के अनुसार ही लिंग वचन विभक्ति आती है। तो अब यहाँ बालिकाओं के, बालिका शब्द स्त्रीलिंग होता है इसलिए उनकी और चार की और बालिकाओं की, इनका हम स्त्रीलिंग में ही रूप लगाएंगे। जैसे यहाँ पर चिन्ह से हमें पता लग रहा है कि काके की चिन्ह षष्ठी विभक्ति का होता है इसलिए बालिका शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा बालिका नाम, बालिका नाम। ये षष्ठी बहुवचन हुआ। चार शब्द का स्त्रीलिंग में रूप चलता है चतस्रः, चतस्रः, चतस्री भी, चतस्रीभ्य, चतस्रीभ्य, और षष्ठी बहुवचन में बनता है चतस्रीणाम। तो चार की संस्कृत हो जाएगी चतस्रीणाम। अब उन सर्वनाम का, तद शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा
तस्याः तयो तासाम। तो उनकी संस्कृत हो गई यहां पर तासाम। और क्रिया क्योंकि वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इसके साथ हम देखेंगे कि गए थे, गए थे भूतकाल का है और भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। उससे पहले यहां पर घर शब्द दिया है, घर को गए थे, को चिन्ह यहां पर छिपा हुआ है, घर की संस्कृत हो जाएगी गृहम। और क्योंकि यहां पर गए थे भूतकाल है, भूतकाल में गम धातु का रूप बनता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। तो गए थे की संस्कृत हो जाएगी अगच्छन। इस प्रकार पूरा वाक्य हो गया ते तासाम चतस्रीणाम बालिकानाम गृहम अगच्छन। हमारा अगला वाक्य है राम उस सुंदर उद्यान में तीन बंदरों को देखता है। यहां पर एक नया शब्द आया सुंदर। सुंदर यहां पर विशेषण है, किसका विशेषण है? उद्यान का। तो जो विभक्ति लिंग वचन उद्यान में आएगा वही सुंदर में आएगा और वही सर्वनाम में आएगा उसमें। उसके बाद में संख्यावाची शब्द आया तीन, तीन आ रहा है बंदरों के लिए। तो जो लिंग वचन विभक्ति बंदरों में आएगी वही तीन में भी आएगी। तो ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा रामः उस सप्तमी विभक्ति एक वचन, उद्यान एक है इसलिए उसकी संस्कृत हो जाएगी तस्मिन, तस्मिन। सुंदर, सुंदर शब्द में भी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, रूप बन जाएगा सुंदरे। और उद्यान शब्द नपुंसक लिंग का है, जब हम इसका सप्तमी में रूप देखेंगे तो बनेगा उद्याने। अब तीन शब्द बंदरों के लिए आ रहा है, बंदरों को देखता है, को चिन्ह से हमें पता लग रहा है कि यहां पर द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय कर्म को। तो जो बंदरों में आएगा वही तीन में आएगा। तो त्रीन बंदर क्योंकि पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग में त्रय प्रथमा विभक्ति में, त्रीन द्वितीय विभक्ति में बनता है। और बंदरों की संस्कृत होती है वानर। जब हम इसका रूप चलाएंगे तो द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा वानरान, वानरह, वानरौ, वानराह। द्वितीय विभक्ति वानरम, वानरौ, वानरान। क्योंकि यहां पर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। देखता है कि संस्कृत हो जाएगी पश्यति। पूरा वाक्य इस प्रकार से बन गया रामः तस्मिन् सुंदरे उद्याने त्रीन वानरान पश्यति। धन्यवाद।